शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में लॉकडाउन के चलते पिछले ढाई माह से अब तक हजारों लोगों का अनाज किट का वितरण अधिवक्ता अनिल गुल्हा ने तथा वकील मित्र परिवार की ओर से किया गया। आज इस अनाज किट का समापन आदेश हुलाने के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। इस मौके पर आदेश के हाथों पौधे और अनाज किट का वितरण किया। लॉकडाउन के चलते सभी कारोबार बंद हो चुके हैं। ऐसे में गरीब, बेसहारा और जरूरतमंदों को खाने पीने के कई लाले पड़े थे। ऐसे में शहर के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट अनिल गुल्ला ने, उनकी पत्नी चेतना गुल्ला ने और आदेश निर्देश इन दो बेटों के साथ अधिवक्ता मित्र परिवार के सहयोग से पिछले ढाई महीनों से अनाज किट का वितरण किया जा रहा है। शहर के अलग अलग परिसर के हजारों जरूरतमंदों को अनाज किट का वितरण किया गया। आदेश इनके जन्मदिन के अवसर पर अनाज किट वितरण समारोह कार्यक्रम के तहत हजारों लोगों को अनाज किट और पौधा आदि बांटकर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने इन विषय समक्ष जानकारी दी। लॉकडाउन के चलते शहर में नहीं पूरे देश में जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने आदेश दिए थे, जिसके चलते लॉकडाउन में लोग अपने घरों में थे, इसका जो असर गिरा था खासतौर पे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर में गिरा था। जैसे कि बेसहारा है, जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब है, ऐसे लोगों को एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ा था, भूखे मरने की नौबत आ पड़ी थी। ऐसे में कुछ वकील के ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो एक दूसरे को सहयोग करते हुए उन्होंने पिछले ढाई महीनों से लगातार अनाज किट का वितरण किया है। इस समय में ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि गुल्ला ने मित्र परिवार, वकील साहब और तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पे मौजूद है। आज जिनके हाथों ये खास कार्यक्रम लिया गया, जिनका जन्मदिन भी है, ऐसे आदेश गुल्ला ने हमारे साथ में उनसे जानना चाहेंगे। आदेश, आप बताएं कि आज का आपने जो जन्मदिन मनाया, किस प्रकार से मनाया है और ये कार्यक्रम का समापन कैसे किया? हम पिछले डेढ़ महीने से हम बस्ती के लोगों को हम किट प्रदान कर रहे हैं और आज उस समारोह का आज समाप्त कर रहे हैं हम। और आज हमने कुछ पौधे और कुछ किट्स आज हमने बस्ती वालों को बांटे। तो इस प्रकार मैंने अपना जन्मदिन मनाया और मेरी इच्छा है कि सब लोग खुश रहें। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ, एडवोकेट चौबे, और मेरे साथ में जो मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी में अनिल गुल्लाने हैं, इन्होंने खुद के पैसे से, खुद की तरफ से जो घर से इन्होंने किट बांटे हैं पिछले दो ढाई महीने से, ये एक सराहनीय काम है। इन्होंने बस्ती वालों को, वकीलों को, सबको किट पहुंचाया है। हम जो कुछ वकील लोग थे जिन्होंने इनको सहायता की, कुछ अपनी तरफ से जैसा जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उस हिसाब से इनको सहायता की है, लेकिन इनका पूरा परिवार और ये खुद इन्होंने जिस टाइप से इसमें मेहनत की है और जितना इन्होंने लोगों को प्रदान किया है, ये सराहनीय है और लोगों ने इससे सीखना चाहिए। और इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आदमी खुद के घर से क्या कर सकता है, इन्होंने करके दिखाया। गर्व महसूस करता हूँ। बात यह है कि मैं 2 साल से अनिल गुल्लाने सर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे फैमिली फ्रेंड है, और तब से मैं देख रहा हूँ कि समाज के प्रति जो प्रेम रहता है, समाज के प्रति जो आदर भाव रहता है, इनके परिवार ने बहुत अच्छे से उसको निभाया है। इस लॉकडाउन में आपको तो सर पता है, हमारे बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, पुलिस का क्या काम है और पुलिस क्या काम कर रही है। लेकिन मैं ये बताता हूँ, इस लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे समाज के घटक है, लोग हैं कि जिनको खाने की भी मुसीबत है। इस वक्त में मेरे मित्र अनिल गुल्लाने सर ने जो लोगों के प्रति सहयोग दिया है, वो इतना है कि उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे इंडिपेंडेंट पर्सनली मुझे कुछ लोग मिलते हैं, सर ऐसा ऐसा है, हमें मदद की ज़रूरत है, हम तो पर्सनली कुछ मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से कम 100 से ज़्यादा लोगों को गुल्लाने सर के माध्यम से मदद पहुँचाई है। मैं पर्सनल उनका नंबर उनको शेयर किया हूँ, लोग यहाँ आके मेरा नाम बता के कुछ ना कुछ ऐसा किट लेके जाए। इन्होंने क्या किया है, समाज के प्रति तो अपना समर्पण किया दिया ही है, लेकिन निसर्ग के प्रति जो समर्पण है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के हालात में पौधा लगाना और उसको जीवित रखना ये भी कुछ आसान काम नहीं है, और इस हालात में उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और आज उसका समर्पण दिन है, जो मास्टर आदेश के बर्थडे के दिन वो ये कर रहे हैं। पुलिस हो, वकील हो, या हो फिर सामाजिक कार्यकर्ता, इनके माध्यम से जिस प्रकार से ये जो समाज में जो कामकाज किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी हम सब लोग
हर समय हर पल कहीं भी तैयार है, इस प्रकार की बात आज इन तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम के माध्यम से दिया है। यह सबसे बड़ी बात है। और लॉकडाउन हो कि उसके बाद में भी इस तरह के अगर कुछ कामकाज रहेंगे तब भी कंधे से कंधा मिलाते हुए ये लोग पूरी तरह से समाज की नहीं बल्कि ये देश सेवा करके काम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।